नमस्कार दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सुनिया डोगरा। आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जैश ए आतंकी को एनआईए ने किया गिरफ्तार। जी हां, इसी के साथ साथ पाकिस्तानी अंकाओं को देता था सुरक्षा बलों को जानकारी। आपको बताते चले, आतंकी अब एक पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के कमांडर के लगातार संपर्क में था। ये वहीं पे जान से पता चला है कि आरोपी पाकिस्तानी अंकाओं को विशेष रूप से सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में भी लगातार जानकारी दे रहा था। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एएनआई ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान जो है वो कुपवाड़ा जिले के मोहम्मद अबैद मलिक के तौर पर हुई है। वहीं पे जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश रचने समेत अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता पाई गई है। वहीं पे बताते चले, आतंकी अबैद पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के कमांडर के लगातार संपर्क में था और साथ ही साथ जांच से ये पता चला है कि आरोपी जो है वो पाकिस्तानी अंकाओं को विशेष रूप से सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में भी लगातार जानकारी दे रहा था। उधर डोडा जिले के गंदोह में विशेष जांच इकाई एसआईयू ने गंदोह में 5 आतंकियों के घरों व ठिकानों में दबिश दी है। साथ ही साथ इस दौरान मिले सबूतों को जब्त किया गया है और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने बताया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओजीके में संक्रिय 5 स्थानीय आतंकवादियों के घरों में ठिकानों की तलाशी जो है वो ली गई है, जिसमें से नाम जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आटा मोहम्मद अरफ आदिल मुसबीर निवासी टंटा कहाड़ा का रहने वाला, वहीं पर दूसरा नाम मोहम्मद यासीर उर्फ शाहिद निवासी कुंथल टंटा का रहने वाला, तीसरा नाम मोहम्मद शफी उर्फ नदीम भाई निवासी तिरकल कहाड़ा का रहने वाला, चौथा नाम जो है अमजद अली उर्फ राशिद निवासी तिरकल कहाड़ा का रहने वाला है, वहीं पे पांचवा नाम मजीद हुसैन उर्फ अबू जाहिद साकिब निवासी मनोई तहसील मीरज पिंगल गंदोश शामिल है। वहीं पे आतंकी अबैद पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के कमांडर के लगातार संपर्क में था। जान से ये पता चला है कि आरोपी जो है पाकिस्तान अंकाओं को विशेष रूप में सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में लगातार जानकारी दे रहे थे। फिर से बताते चलो कि आपको जैसे आतंकी को एनआईए ने किया गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। वहीं पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अंकाओं को देता था सुरक्षा बलों को ये जो आतंकी है जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जैश ए आतंकी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की और अपडेट के साथ देखते रहेगा दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।